तो आज चुआ सैयदन शाह की सैर को चलते हैं, जहां कटास राज मंदिर सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। हजारों सयाह यहां का रुख करके इसकी तारीखी अहमियत की गवाही देते हैं। मजीद राजा बुरहान गनी की रिपोर्ट में। चकवाल के इलाके सॉल्ट रेंज को जहां कुदरत ने मादनियात के खजानों से माला माल कर रखा है, वहीं इसकी कदीम तारीख भी है। चुआ सैयदन शाह शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर वाकया हिंदुओं का दूसरा बड़ा मजहबी मकाम कटास राज न सिर्फ तारीख का गहवारा है, बल्कि हिंदुओं समेत मुतअद्दिद मजाहिब की तारीख भी नुमाया है। मौरखीन के मुताबिक यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। इस इल्म के मरकज से तालीम हासिल करके मारूफ रियाजीदान अबू रेहान अल बैरूनी ने जमीन के कतर की पैमाइश की थी। हिंदुओं के कीदे के मुताबिक इनके मजहबी गुरु शिव जी अपनी बीवी के गम में रोए तो दो आंसू गिरे थे, एक कटास राज में गिरा और अमृत कंड के नाम से चश्मा वजूद में आया, जिसके पानी को वो मुतबरक समझते हैं। मैं बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ कटास राज देखने के लिए, देखकर दिल बहुत खुश हुआ। हुकूमत यहाँ बैनर अकवामी सेहत के लिए और उसके फरोग के लिए इकदाम करे तो मजीद ज़र मुबादला भी यहाँ से हासिल किया जा सके। मंदिर देख के बहुत खुश हुआ। हुकूमत के इकदाम की वजह से ये हिंदू मजाहब के मंदिर आज तक कायम है और अच्छी हालत में कायम है। यहाँ भारत से हर साल हजारों यात्री आते हैं, जबकि अंदरूनी मुल्क से भी सयाहों की बड़ी तादाद इस तारीखी मकाम को देखने के लिए आती है। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत सयाहों को मजीद सहूलियात दे तो कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है।